नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम बलूचिस्तान में चाइनीज मंसूबे सीपैक और ग्वादर पोर्ट के खिलाफ तारीखी एहतजाज और बलोच पश्तून तालिबात के जिनसी इस्तेहसाल पर खसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलोच पश्तून तालिबात के जिनसी इस्तेहसाल पर सरापा एहतजाज, मुतासर खानदान। चाइनीज मंसूबों के खिलाफ ग्वादर की सड़कों पर फिर उतरे मकामी बलोच बाशिंदगान। और पश्तून लीडर मोहसिन दावर ने कहा, फौजी तानाशाही ने तबाह किया पाकिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां बलोच और पश्तून तालिबात के जिनसी इस्तेहसाल को लेकर हाहाकार मच रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज की चप्पे चप्पे पर चेक पोस्ट के बावजूद बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा तक में बलोच और पश्तून तालिबात को अगवा करके जिनसी जुल्मज़ादती का शिकार बनाया जा रहा है और मुतासर तालिबात की नाजेबा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर मुझे लगता है आज बाकी मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं। ये जो हिदायत खिलजी का क्वेटा से स्कैंडल निकला है, ये एक साइकोपैथ है। इतनी बेचारी छोटी छोटी लड़कियों के साथ इतना जुल्म करना, उनके गले में रस्सी बांध के उनको चलाना, उनको मेंटली टॉर्चर करना, उनको बरहना करना, और रो पीट रही होती है बेचारी। और खुदारा मुजरमों को सजा दें इस मुल्क में, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। रोज कोई ना कोई ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सुनने को मिलता है, और फिर जी वो खत्म होता है तो कोई और शुरू हो जाता है, पिछला भूल जाते हैं। खुदारा सजा दें इनको। पता नहीं कितने इस तरह के साइकोपैथ पाकिस्तान में हैं जिनका पता नहीं है। इस वक्त हमारी मुआशरा बिल्कुल पस्ती का शिकार हो गया। जब तक सजा नहीं होगी, जालिम का को सजा नहीं मिलेगी, इस तरह के वाकयात होंगे। हमें डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से, क्योंकि इस वक्त जहाँ पे जुल्म होता है वहाँ पे अल्लाह का अजाब आता है। बलूचिस्तान में तुलबा तालिबात के साथ जुल्म ज्यादती के बढ़ते वाकयात को लेकर मुतासिरा खानदानों और सिविल सोसाइटी में गम और गुस्से की लहर जोर पकड़ने पर कठपुतली वजीर आला और क्वेटा पुलिस को हरकत में आना पड़ा। लिहाजा बलोच तालिबात को यरगमाल बनाकर काबिले एतराज वीडियो बनाने के घिनौने जुर्म में मुलविस ग्रोह के ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा और पोर्न वीडियोग्राफी ग्रोह के सरगना हिदायत खिलजी और उसके भाई को गिरफ्तार करने का दावा किया।
एक हमारे पास एक एप्लीकेशन आ गई खातून की तरफ से कि हिदायत खिलजी नामी एक बंदे ने उनकी दो बेटियों को पिछले दो साल से अपने हिरासत में रखा हुआ है और उनको अब्यूज़ कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए हम गए वहाँ पे, लोकल पुलिस चली गई जाके हिदायत खिलजी जो उसका प्रिंसिपल एक्यूज था उसको अरेस्ट कर लिया और साथ उसका भाई का भी नाम आ रहा था उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने सर्च वारंट लेके मजिस्ट्रेट से जो कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन है जाके हमने दोबारा सर्च किया उस जगह को और वहाँ पे हमें कुछ मोबाइल और टैबलेट लैपटॉप और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिल गई। उनको हमने प्रॉपर तरीके से सील करके जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी है लाहौर में उनको हमने भेज दिया ताकि वो उनका टेक्निकल एनालिसिस करके जो भी चीज़ें उससे रिकवर हो जाएं वो वापस हमें भेज देंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम एक्शन फर्दर ले लेंगे उसकी रोशनी में। ये तो गिरफ्तारी हुआ है उनको सजा दिलाएंगे और अदालतें इंसाफ करेंगे तो फिर किरदार तक पहुंचाएंगे, कहते हैं GIT भी बने ताकि इस तरह के चीज़ों को हम बिफोर टाइम उनका पीछा करें। सोचे नहीं कि कोई कोताही बर्दाश्त की जाएगी। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में तुलबा तालिबात के साथ जिंसी हिरासगी के बढ़ते वाकयात के खिलाफ इससे पहले भी एहतजाजी मुजाहरे होते रहे हैं। इसकी असल वजह यह है कि बलूचिस्तान के तमाम तालीमी इदारों खुसूसन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकारों ने कब्जा किया हुआ है और हिफाजत के नाम पर बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में खुफिया कैमरे लगा रखे हैं ताकि तुलबा और तालिबात को जिंसी तौर पर खौफ और हिरासा किया जा सके। हमारी इज्जतों पे हमला हुआ है, हमारे कौम की इस बच्चियों पे हमला हुआ है, इस बच्चों पे हमला हुआ है। यहाँ पे आपको पता है कुछ महीने पहले यहाँ पे पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर को जाफर खान को इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जहर दिया गया, फिर पता चला कि इस जहर किसने दिया। उस वक्त भी आपके कैमरे बंद थे पर आपके कैमरे तब चलते हैं जब आप हमारी बहनें अब हमारी बेटियों की इज्जत पामाल करते हो, तब आपके कैमरे काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की मुतवाजी हुकूमत वाले बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज में खुफिया कैमरों के जरिए बलूच और पख्तून तालिबात के जिंसी इस्तेहसाल के स्कैंडल को लेकर इससे पहले भी हाहाकार मच चुका है। इस पर पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान ने FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहकीकाती टीम तक तश्कील दी, लेकिन हस्ब दस्तूर तहकीकात का कोई नतीजा सामने नहीं आया। यही वजह है कि अब तो पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर वाले रावलपिंडी शहर तक में फौजी अफसरान की जानिब से सेक्स रैकेट की सरपरस्ती की जा रही है। इस जमीनी सच्चाई के बारे में रावलपिंडी की सड़कों पर एक मुतासरा लेडी डॉक्टर ने सड़कों पर एहतजाज करके सनसनीखेज इंकशाफात किए। अब रुख करते हैं बलूचिस्तान की पोर्ट सिटी ग्वादर का और जायजा लेते हैं CPAC और इंटरनेशनल पोर्ट जैसे चाइनीज मंसूबों को लेकर बलोच कौम में भड़की बेतमीनानी की आग का। चाइनीज मंसूबों के खिलाफ गम गुस्से का इजहार करने के लिए ग्वादर में हजारों मुतासरा बलोच खानदान पिछले एक महीने से एहतजाजी धरना दे रहे हैं और ग्वादर की सड़कों पर आए रोज एहतजाजी मुजाहरे करके पाकिस्तानी हुक्मरानों और बैन अल-अक़वामी बिरादरी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के बंदरगाह ग्वादर में पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात के मुतालबे को लेकर गुज़िश्ता एक महीने से जारी एहतजाजी धरना अब इनकलाबी तहरीक में तब्दील हो चुका है। ये सच्चाई ग्वादर की सड़कों पर उमड़े अवामी समंदर के ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। बलूचिस्तान में चाइनीज मंसूबे CPAC और इंटरनेशनल पोर्ट के खिलाफ ग्वादर में मकामी बलोचों ने अब तक की सबसे बड़ी एहतजाजी रैली करके पाकिस्तानी हुक्मरानों को सख्त लहजे में ये पैगाम दिया कि वो अपने मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों का हक के लिए आ रहा है इधर, हम लोग अपना हक मांगता है, इंशाल्लाह मांगेगा, माफ नहीं करेगा। अभी निकला है रास्ते में, इंशाल्लाह भी निकलेगा। नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर। हम इतने सालों से 70 सालों से बलूचिस्तान महरूम है,
हर लिहाज से, रोजगार के लिहाज में, समंदर में टालरों के लिहाज से, बॉर्डर के मामले में, हर तरह से हम महरूमी में। हम अपना हक लेना चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान वालों को भी हक चाहिए। हम सूबे में बहुत परेशान हैं, अपने सूबे में दरिया के हमारे समंदर की नस्ल कुशी की जा रही है। हम ये जो ट्रॉलर्स माफिया हैं, ये कितनी हमें समंदरी हयात की नस्ल कुशी कर रहे हैं। हम इसके लिए एहतजाज करने आए हैं, हम पूरा एहतजाज कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ फैले जिससे सबको तकलीफ हो। हम पूरा एहतजाज कर रहे हैं, हमें एहतजाज की जाए। हम वो नहीं मांगते जो हुकूमत हमें देती है, हुकूमत ने हमें बहुत दिया है, मगर अभी हम जो कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमें वो करने दिया जाए, हमें सुकून से रहने दिया जाए। अपने हकों के लिए निकले हैं, आज इसलिए निकले हैं क्योंकि इन लोगों को अपना हक नहीं मिल रहा। हमारा महाशी इन लोगों ने तबाह कर दिया। ट्रॉलरों से इनका रोजी खत्म हो चुका है। मंशियातों से हमारे भाई को, बहन भाई और अबुओं को बर्बाद कर दिया गया है। ये बॉर्डर बंद कर दिया गया है, गैर जरूरी चेक पोस्ट लगा के रखे हैं इन लोगों को, इसलिए ये निकल चुके हैं आज इन तादाद में। बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से ग्वादर में सीपेक के खिलाफ 15 नवंबर से जारी धरना खत्म कराने के लिए निहत्थे और पुरअमन मुजाहिरीन पर कई बार फायरिंग तक की गई। लिहाजा ग्वादर में बलोच खवातीन भी धरने की हिमायत में चार दीवारी लांघकर सड़कों पर उतर आईं, लेकिन रियासती जुल्म जबर और तानाशाही हरबों के नतीजे में ग्वादर में धरना मजीद शिद्दत इख्तियार करता गया। यहाँ के जो है तहसीलदार और एसी ने यहाँ पर फायर करके हमारे 3 आदमी शहीद कर दिए थे। आज वो तारीख दोहराना चाहते थे कि दोबारा ग्वादर में खून पे, और हम इनको ये कहें कि ये शरारत है, ये जो है आजादी पसंद है, ये पाकिस्तान को नहीं मानते हैं। हम कैसे पाकिस्तान को नहीं मानते? हम चिल्ला रहे हैं पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमारे समंदरों को लूटा जा रहा है, आखिर ये हमें सजा क्यों दी जा रही है? लाखों की तादाद में आप लोग निकले थे, मुझे बताएं आप हमें दर्श देते हैं कि पूरा मन नहीं है। आप बताएं, एक तो इमरान खान का रैली और धरना था जहाँ इस्लामाबाद में, जहाँ आप बिरयानी तकसीम करते थे, वहाँ उन्होंने तो वजीर आजम हाउस का गेट तोड़ा था, पीटीवी का दफ्तर तोड़ा था, वहाँ के चौक तोड़ा था, लेकिन फिर भी तुमने वो बिरयानी खिलाया, पानी पिलाया, पैसे तकसीम किए। एक तो हमारी रैली है जो लाखों की तादाद में लोग निकले, किसी मजदूर को तकलीफ नहीं हुआ, किसी बंद कबाब बेचने वाले को, किसी रेड़ी वाले को, कोई सब्जी फरोश को, किसी मजदूरी करने वाले को कोई तकलीफ नहीं हुआ, ये परमन नहीं है। ग्वादर में तवील मुद्दत से बरकरार धरने की मुसलसल संगीन सूरत इख्तियार करती शिद्दत से घबराई पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने कठपुतली हुक्मरानों को हिदायत दी तो बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस के आईजी के साथ हंगामी मीटिंग करके किसी भी कीमत पर धरना खत्म कराने का हुक्म दिया। नतीजतन ग्वादर धरने में शामिल होने वाले बलोच लीडरों की जबरन गिरफ्तारी का सिलसिला तेज हो गया। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं बलूचिस्तान के मारूफ दानिश्वर यूसुफ मस्ती खान बलोच की गिरफ्तारी के ये इंसानियत सोज मनाजिर। हम अजीम बलोच रहनुमा और उस्ताद वाजा यूसुफ मस्ती खान की गिरफ्तारी की इंतहाई मजम्मत करते हैं, इनकी जिद्दोजहद और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। बलूचिस्तान के हर शहर, गाँव, गली में उठने वाली हुकूक की आवाज दुनिया भर के 40 मिलियन बलोचों की आवाज है। आज सारी दुनिया के बलोच ग्वादर के बहादुर बलोचों के साथ हैं। शुमा तनिया नहीं, जब तक बलोच की मर्जी के खिलाफ मेगा प्रोजेक्ट्स, सीपैक, तेल, गैस, सोना, मछली की लूटमार जारी रहेगी, बलोच पर जिंदगी तंग रहेगी। कहीं बाढ़ लगेंगे, कहीं चेक पोस्ट, किधर से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? हमारे बेटे, भाई,
इसी तरह अगवा किए जाते रहेंगे। ग्वादर को हक दो तहरीक की रहनुमाई कर रहे मौलाना हिदायतुर रहमान जैसे बलोच लीडरों का मौकिफ है कि पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कठपुतली वजीरियाज़म इमरान खान सीपेक मंसूबे से बलोचों को तामीरों तरक्की के सब्ज बाग दिखाते रहे, लेकिन सीपेक और ग्वादर पोर्ट जैसे चाइनीज मेगा प्रोजेक्ट्स की आड़ में बलोच कौम की नस्ल कुशी की साजिशें उरूज पर पहुँच चुकी हैं। सीपेक से हमें मिला क्या है? सीपेक से हमें मोटर हुआ नहीं मिला, हमें ऑरेंज ट्रेन नहीं मिला, हमें ग्रीन बस नहीं मिला, हमें नौकरियां नहीं मिली, हमें रोजगार नहीं मिला, हमें फैक्ट्री नहीं मिला। सीपेक से हमें जनाजे मिले, मस्जिदें मिली है, नौजवानों की लाशें, माओ की लाशें, बच्चों की लाशें, और हॉस्पिटल भी नहीं मिले, तालीमी इदारे भी नहीं मिले। हमें क्या मिले? चेक पोस्टें मिले। हम समझ रहे थे सीपेक से हमें तालीमी इदारे मिलेंगे, हम समझ रहे थे सीपेक से हमें हॉस्पिटल मिलेंगे, हम समझ रहे थे हमें तालीमी इदारे कॉलेज यूनिवर्सिटी मिलेंगे। मिला तो क्या मिला? चेक पोस्ट मिला। आजाद बलूचिस्तान रियासत पर 1948 में पाकिस्तानी फौज के नाजायज कब्जे के बाद से ही बलोचों के साथ गुलामों से बदतर सलूक और उनके कुदरती वसाइल की लूट खसूट हो रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और उनके कठपुतली जालिम हुक्मरानों से अपने बुनियादी और इंसानी हुकूक हासिल करने के लिए महकूम बलोचों ने अब फैसला कुन जंग लड़ने का अज़्म कर लिया है। बुनियादी इंसानी हुकूक की इस जंग में बलूचिस्तान की खवातीन समेत हर तबका पूरी तरह मुत्तहिद हो चुका है। यही वजह है कि ग्वादर में एक महीने से ज्यादा अरसे से जारी बलोच माहिगीरों के एहतजाजी धरने को सियासी और समाजी सतह पर काफी पजीराई मिल रही है, और इस पजीराई ने पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीरियाज़म इमरान खान और बलूचिस्तान के वजीरियाला अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में फौजी तानाशाही के दस्तूर पर पश्तून लीडर मोहसिन दावर की दहाड़। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में जिमनी इंतखाबात यानी बाई इलेक्शंस के दौरान प्री पोल रिंगिंग के इल्जामात को लेकर सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ तशद्दुद पर उतर आईं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे खानेवाल जिले में सूबाई असेंबली के हल्का नंबर PA 206 में जिमनी इलेक्शन से पहले ही PMLN के कारकुनों ने वोटों की खरीद फरोख्त के इल्जाम में PPP के उम्मीदवार के घर पर धावा बोल दिया। इस हमले के बाद PPP के उम्मीदवार की जानिब से खानेवाल में दर्ज कराई गई FIR में PMLN के उम्मीदवार एडवोकेट अता तारड़ और उनके कई कारकुनों पर घर के दरवाजे तोड़कर खवातीन को मारने पीटने और धमकियां देने के इल्जामात लगाए। कोर्ट से उबूरी जमानत हासिल कर चुके अता तारड़ ने PPP के उम्मीदवार की जानिब से हर वोटर को 2000 रुपए देने का इल्जाम लगाया। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार के मद्देनजर इमरान खान की हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें तकरीबन 5 रुपए फी लीटर कम करने का ऐलान किया, लेकिन 16 दिसंबर 2021 से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस कमी पर गरीब अवाम और अपोजिशन जमातों ने सख्त तनकीद की। पाकिस्तानी अवाम और अपोजिशन जमातों के लीडरों ने कहा कि इमरान खान हुकूमत पिछले 3 महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 25 रुपए तक का इजाफा कर चुकी है, लेकिन आलमी मंडी में तेल की कीमतों में गिरावट का पूरा फायदा देने की बजाय GST पेट्रोल पंप मालिकान का मुनाफा बढ़ा दिया। पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची में मुहाजिरों की सियासी पार्टी MQM ने
شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ ایم کیو ایم یعنی متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے یہ احتجاجی مظاہرے سندھ صوبائی اسمبلی میں حکمران جماعت پی 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 کی جانب سے بلدیاتی نظام ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف کیے۔ اس موقع پر ایم کیو ایم کے لیڈر عامر خان نے سندھ صوبے میں پی 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 یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت پر نچلی سطح پر سیاسی اختیار کی منتقلی کا راستہ روکنے کی سازشیں کرنے کے الزامات لگائے، لیکن پی 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 کے لیڈر سعید غنی نے ان الزامات کو بے بنیاد بتایا۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کے بارے میں خود ان کے بے حد قریبی رہے سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس وضیح الدین صدیقی نے سنسنی خیز انکشافات کر کے سیاسی ماحول کو مزید گرما دیا۔ پاکستان میں حکمران جماعت پی ٹی آئی میں سینئر لیڈر رہے جسٹس وضیح الدین نے بتایا کہ جہانگیر ترین جیسے شوگر مافیا وزیراعظم عمران خان کے بنی کالا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے 30 سے 50 لاکھ روپے ماہانہ دیتے رہے، تبھی تو پاکستان میں چینی گھوٹالے کی تحقیقاتی رپورٹ میں جہانگیر ترین کا نام آیا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ لیکن عمران خان حکومت کے وزراء اور مشیروں نے جسٹس وضیح الدین کے الزامات کو بے بنیاد بتاتے ہوئے مقدمہ درج کرانے کی دھمکی دی۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں لاپتہ افراد کے سنگین مسئلے پر۔ اسلام آباد میں منعقدہ قومی کانفرنس میں پاکستان میں بڑھتی فوجی تاناشاہی کے خلاف اٹھی آواز کا۔ یوں تو پاکستان میں سیاسی، سماجی اور انسانی حقوق ادارے سبھی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی تاناشاہی سے اجیرن ہیں، لیکن پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی سیاست میں بڑھتی مداخلت کے خلاف آواز بلند کرنے میں پشتون لیڈر محسن داور پیش پیش رہے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے بلوچوں کی طرح دہشت گردی کی پشت پناہی کے خلاف آواز اٹھا رہے قبائلی پشتونوں کے ساتھ بھی گزشتہ 73 برسوں سے ظالمانہ سلوک کر رہی ہے۔ یہ سچائی پشتونوں پر بڑھتے ریاستی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والی سیاسی جماعت پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈران کی غداری کے جھوٹے الزاموں کی گرفتاری اور سیاسی کارکنوں پر فوجی حملوں سے منظر عام پر آ چکی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پر بلوچستان نیشنل موومنٹ نے اسلام آباد میں کانفرنس بلائی تو پشتون لیڈر محسن داور نے خصوصی طور پر شرکت کر کے پاکستان میں بے گناہ لوگوں کی جبرن اغوا کاری کے سنگین مسئلے کو بے حد شرمناک بتایا۔ پاکستان's hidden tragedy, missing persons کے ٹاپک پہ ہم سب کو یہاں پہ مدعو کیا ہو۔ میرے خیال میں یہ ٹریجڈی اب مزید ہڈن نہیں رہی، کیونکہ یہ پیریفریس سے شروع ہوتی ہوئی، ڈاکٹر دین محمد بلوچ سے شروع ہوتی ہوئی اب اسلام آباد پہنچ چکی ہے، اور ہم اسلام آباد میں بھی اس کا مظاہرہ دیکھ چکے ہیں کہ کبھی متی اللہ جان صاحب کو مسنگ کیا جاتا ہے اور کبھی کسی پولیس کے آفیشل کو مسنگ کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ٹریجڈی تو ہڈن نہیں رہی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ہمارے ادارے، ہماری فوج یا ہماری ایجنسیاں اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اسی طریقے سے اس پورے عمل کو چلاتے رہیں گے تو میرے خیال میں یہ ان کی بھول ہے۔ یہ جو انفورس ڈس اپیرنسز کا ایشو ہے، میرے خیال میں شاید ہی ایسا کوئی طبقہ ہو، خصوصاً اگر ہم بلوچوں کی بات کریں، ٹھیک ہے یہ اکراس دا بورڈ ہے، ہمارے جو قبائلی رکاجات ہیں وہاں بھی ہے، سوات میں بھی تھا، ملکن ڈیویژن میں بھی تھا، لیکن بلوچستان میں یہ ایشو بہت زیادہ ہے اور کوئی ایسا طبقہ ہی نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ رہا ہو۔ ڈاکٹرز کو اٹھایا گیا، اسٹوڈنٹس کو اٹھایا گیا، ابھی بھی بلوچستان یونیورسٹی کے دو اسٹوڈنٹس سہیل بلوچ اور فسی بلوچ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ اگر نام میں نے غلط نہیں لی، تو وہ ابھی بھی وہاں پر پروٹیسٹ جاری ہے۔ سیاسی ورکرز کو اٹھایا گیا، اسٹوڈنٹس کو اٹھایا گیا ہے، ڈاکٹرز کو اٹھایا گیا ہے، تو ایسا کوئی طبقہ نہیں بچا جو اس سے افیکٹ نہ ہوا ہو۔
जो मुतासिर ना हुआ हो। एक कॉलोनियल अप्रोच है जो मेरे ख्याल में मीरास में मिले हैं हमारे इन इदारों को और हमारी इन फौज को और हमारी इन रियासत को, और वो किसी भी सूरत इस मुल्क के ये जो छोटी अकवाम है बलोच और पश्तून को, और अब तो खैर वो चीज वहां से फैलकर पूरे पाकिस्तान में फैल गई है, ये इस शहरी इस मुल्क के शहरियों को हमेशा उन्होंने सब्जेक्ट्स के तौर पर गुलामों के तौर पर ट्रीट किया है। ये माहौल जब हम देखते हैं तो वो ही अली अहमद कुर्द साहब का एक जुमला फिर जो कि मेरे ख्याल में अब एक सिंबल बन गया है कि एक जर्नल और 22 करोड़ आवाम, यही मेरे ख्याल में इस मसले की बुनियादी वजह है कि एक जर्नल और 22 करोड़ आवाम, और वो 22 करोड़ आवाम की जो फिर बुनियादी इंसानी हकूक है, चूंकि आज इंसानी हकूक का आलमी दिन है तो वो पामाल इसलिए होते हैं कि यहां पर ना जमहूरियत है, यहां पर ना अदालत है, यहां पर पार्लियामेंट भी कंट्रोल है, यहां पर अदालत भी कंट्रोल है, यहां पर मीडिया भी कंट्रोल है, सारा का सारा इख्तियार एक जर्नल, कभी डायरेक्टली होता है कभी इनडायरेक्टली। लेकिन अब ये जिस सिचुएशन से हम अभी गुजर रहे हैं, ये जो हाइब्रिड रेजिम कहते हैं, कोई इसको इनडायरेक्ट मार्शल लॉ कहते हैं, मेरे ख्याल में ये जो अब जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं ये मार्शल लॉ से भी बदतरीन दौर है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।